आज हम आपको बताएंगे कि रानीचुरी में एक ऐसा संस्थान है जो लोगों को रोजगार भी दे रहा है और जो रोजगार परक जो चीज़ें होती हैं, जिससे कि जो वेस्ट मटेरियल होते हैं जिसको हम फेंक दिया करते हैं। अक्सर हम जो है कुरकुरे के रैपर होते हैं और कई ऐसे रैपर होते हैं, कई जो प्रदूषण फैलाते हैं उनको हम फेंक देते हैं, जो कि प्रदूषण फैलाते हैं। उन चीज़ों के द्वारा टोकरियाँ बनाना और उन चीज़ों के द्वारा वेस्ट मटेरियल के द्वारा कैसे हम जो है उसको यूज़ में ला सकते हैं, कैसे हम जो है उससे रोज़गार के साधन उपलब्ध कर सकते हैं, ऐसा ही रानीचुरी में संजय बोगणा जी के द्वारा किया जा रहा है। उनके संस्थान द्वारा जो आराधना धूपबत्ती और अगरबत्ती उनके द्वारा बनाई जाती है और जगह जगह पे वितरित की जाती हैं, लोगों को दिए जाते हैं, लोग इसको खरीदते हैं। और उनके द्वारा अब वेस्ट मटेरियल से काफ़ी टोकरियाँ और वेस्ट मटेरियल से काफ़ी चीज़ें बनाई जा रही है, जैसे कि मालाएं होती है उनसे भी जो है खाद वगैरह और जड़ी बूटी और धूपबत्तियाँ अगरबत्तियाँ बनाई जा रही हैं। तो इसी में आज हमारा एक प्रोग्राम एक नया यहाँ पर हमने शुरू किया है, जिसके द्वारा हम आपको बताएंगे किस प्रकार से पहाड़ों में भी रोज़गार दिया जा सकता है। कुछ कर गुजरने का जज्बा यदि इंसान के दिल में हो तो इंसान आसमां में भी छेद कर सकता है। पहाड़ों में रोजगार परक सोच से आज रणचोरी के संजय बहुगुणा और उनकी धर्मपत्नी सुषमा बहुगुणा ने एक मिसाल कायम की है, जिसको देखने और सीखने अब कॉलेजों से भी छात्र आ रहे हैं। स्वामी रामतीर्थ परिषद बासरथोड़ के छात्रों ने भी यहाँ पहुंचकर वेस्ट मटेरियल से टोकरियों सहित कई प्रकार के सामान बनाने की कला और गुर बारीकी से सीखे हैं। संजय बोगना ने बताया कि छात्रों को बारीकी से जानकारी दी गई किस प्रकार से पहाड़ों में रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकते हैं। टीम यूकलाइव। इसको सुखाया, सबसे पहले हमने फूलों को सुखाना है, सुखाने के बाद फिर गाय के गोबर को भी सुखाना है। इन दोनों का जो इसमें मिला हुआ पदार्थ है इसको फिर अंदर मशीन हमारे पास है, इनको मिलाना ये सारी चीजें। और ये एक सबसे अच्छा बनाते हैं, एक बास्केट टाइप का एक बनाते हैं ये, जो कि यहाँ के लोकल घासों का यूज करके बनाया जाता है। और जो प्लास्टिक के रैपर्स जो कि हम लोग क्या नाम है चिप्स बिस्किट्स के रैपर्स जो होते हैं, जो हम लोग फेंक देते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उसे अंकल यूज़ करके बनाते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से एक बास्केट बनाते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है वो देखने में और बहुत ही अच्छा यूज़ होता है उसका, जो कि गाय हमारी खाती हैं, गाय को दिक्कत होता है, वो हमारे समाज को पर्यावरण को प्रदूषित कर। तो अच्छा लगा हमें यहाँ आके एक कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में पता चला, बट एज वेल एज जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उसके बारे में, जैसे फूलों का यूज़ करना, वेस्ट मटेरियल का यूज़ करना और ऑर्गेनिक तौर पर ये धूप अगरबत्ती जो बन रही है, क्योंकि आजकल जो आ रहे हैं मिलावटी प्रोडक्ट आ रहे हैं तो उसमें साथ साथ में हमारा वेस्ट मटेरियल भी यूज़ हो जाता है, और एज वेल एज ये आ गया कि ऑर्गेनिक चीज़ भी है तो नुकसानदायक भी नहीं है। साथ ही साथ ये जो प्लास्टिक वाला है ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम ये चीज़ें ऐसे ही फेंक देते हैं, तो उसका यूजेज एक एज अ स्टूडेंट मुझे ये चीज़ नई चीज़ जानने को मिली यहाँ पे कि हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं। अब उनका जो आपका उसका गौमूत्र है उसका उपयोग हो रहा है, तो गाय के गोबर का उपयोग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा जो हमारे पुष्प हैं, फूल जो शादियों में इंडस्ट हो जाते हैं, और इनको मिलाकर के एक बड़ी अच्छी पहल जो हमारे आराधना धूपबत्ती उद्योग के माध्यम से हो रही है, और जो ग्रामीणों को इसके प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण के माध्यम से निश्चित तौर पर जो हमें जानकारी है कि अलग अलग जगह में अलग अलग स्थानों में इसका उपयोग हो रहा है, ये जो अपना जो लघु उद्योग के माध्यम से, ये अपना प्रोडक्शन के माध्यम से, और जिसे कहते हैं कि हमारा जो जैविक खेती है, हम कहते हैं जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जैविक इसी प्रकार से जो जैविक हमारी धूपबत्ती है इसका वो को भी जो जिस प्रकार से बढ़ावा इस संस्था दे रही है बहुत अच्छे ढंग से दे रही है। आराधना धूपबत्ती अगरबत्ती लघु उद्योग में SRTC कैंपस बासरथोड़ का भ्रमण किया गया, और जिसमें कि बच्चों को बताया गया कि किस प्रकार से हम यहाँ पर जो लोकल जो चीज़ें होती हैं, जैसे गाय का गोबर हुआ, कुरेंजा हुआ और फूलों का बुरादा हुआ, किस प्रकार से इस चीज़ को हम स्वरोजगार से जोड़कर एक स्वावलंबन का कार्य कर रहे हैं। और बच्चों ने यहाँ पे सीखा और बच्चों ने भी कहा कि हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गढ़वाल से जिस प्रकार से पलायन हो रहा है, पलायन को रोकने के लिए एक छोटा सा हमारा प्रयास है। और आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिस प्रकार से हम एक छोटा सा संस्थान चला रहे हैं, आप भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पलायन को रोक सकते हैं।